पंजाब में पिछले लंबे समय से रेलवे ट्रैक पर धरना कर रहे किसानों ने पंजाब सरकार से अपील के बाद रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया है, लेकिन केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा मालगाड़ियों की आवाजाही 12 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया है, जिससे कारोबारी बेहद परेशान है। ऐसे में कारोबारियों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू करने की मांग की है। वहीं इस पर किसानों का कहना है कि वो सिर्फ मालगाड़ियों की चलाने को लेकर जो है उन्होंने जो है रेलवे ट्रैक खाली किए हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों को अभी तक नहीं चलाया जाएगा। मालगाड़ियां नहीं चलने से एक तरफ जहां कारोबारी परेशान है, तो वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक जो है सिर्फ मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए खाली किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो पैसेंजर ट्रेन को बहाल नहीं करेंगे और जब तक कृषि कानून को केंद्र सरकार रद्द नहीं करती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।